मॉर्निंग, जय श्री गीता। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सृष्टि ने की पहाड़ी स्टाइल। आशा और उम्मीद करते हो आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त और खुश हूँ। अभी एक खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो रही है गंगानगर अगस्त मुनि से। ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोस्तों 9 बजे से। तो दोस्तों अभी मैं जस्ट नहाई हूँ और मुझे कॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं और आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं और मैं जल्दी से ना कॉलेज के लिए रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। चलो जी दोस्तों, फाइनली मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई हूँ। बाकी टाइम ना 9:40 हो गया है। अब मुझे 20 मिनट में ना कॉलेज में पहुँचना पड़ेगा। और दोस्तों बारिश भी ऐसी आ रही है, अम्ब्रेला नहीं रखा मैंने, फिर ना उसको रखने की आफत हो जाती है। और आज तो ना बाल बांधे भी नहीं क्योंकि गीले हैं, तो इसलिए बस क्लचर लगा लिया दोस्तों। तो चलते हैं, बाकी शिवानी भी ना वहाँ पर मेरा वेट कर रही है। ऐसी दौड़ भाग ना मेरे साथ तो हमेशा ही होती है। चलो जी दोस्तों, अभी मैं कॉलेज के गेट पे ही पहुंच गई हूँ। बाकी ना बारिश हल्की हल्की सी आ रही थी तो गीली बिल्कुल भी नहीं हुई। तो दोस्तों यहाँ सामने पे देखो भाई, पूरी रोड टूटी हुई है। बाकी हमेशा झमाझम बारिश होए जा रही है। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये है हमारी मैडम, तो ये देखो भाई। तो दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपनी फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री की। हेलो, पहुँच गई थी बारिश में, आज नहीं बोला कॉलेज जाते नहीं जाते। मैंने किया था दोस्तों। शिवानी ने क्या बोला, जाना है आज? इस साइड आ करके लगे वाला काम। तो दोस्तों हम सब बैठ गए हैं एक साथ, तो हम चार दोस्त हैं, 1, 2, 3 और 4। तो हम केमिस्ट्री क्लास अटेंड करते हैं और मिलते हैं आपको। दोस्तों मैम ने हमको दे रखी है रिएक्शन करने के लिए, ये देखो भाई। तो कुछ रिएक्शन हमने कर ली है। इधर साइड देखो भाई। चलो जी दोस्तों, अभी हमारी तीनों क्लासेस हो गई हैं। बाकी अभी मैं आ गई हूँ पीए डिपार्टमेंट में। एनएसएस का फॉर्म हमने तो जमा करा लिया है, लेकिन जो मेरी और फ्रेंड है खुशी और दिया, जिन्होंने एनएसएस का फर्स्ट कैंप अटेंड करा था, तो लेने जा रखे हैं फॉर्म सेकेंड ईयर के लिए। तो यहाँ पर वेट करते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों ये रहा बीए डिपार्टमेंट, ये देखो भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। चलो जी दोस्तों, अभी बच गए हैं 1 और हमारी सारी क्लासेस हो गई हैं। बाकी हमने तो कल प्रैक्टिकल कर लिया था, इसलिए हम प्रैक्टिकल करने नहीं गए। जिन लोगों ने करा नहीं था उनका प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों बारिश ऐसे लगातार आ रही है मॉर्निंग से ही, और आज ना बंद भी नहीं, वरना मॉर्निंग में आती थी बंद हो जाती थी। तो छाता भी नहीं ला रखा है, तो मैं जा रही हूँ दिया के साथ और ये 2 आ रहे हैं एक साथ। तो पार्टनर ऐसे काम आता है दोस्तों। बाकी सुबह में नहा गए थे, फिर से नहा के ही जाएंगे घर। दिया तो बस ऊपर तक है, मुझे ऐसे भीग भीग के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ देखो भाई, आज बारिश है तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कॉलेज में। हमारी वीडियो बनावर, कुछ बोलना चाहोगे? बस हाई करना है और कुछ नहीं बोलना है। ये देखो दोस्तों सुनसान हो रखा है। कॉलेज में ना मैं और दिया कर रहे हैं कपल गोल्स पूरे, ये देखो। दोस्तों इन दोनों ने ना मुझे धोखा दे लिया है, देखो सीधे आगे चले गए, मुझे ऐसे छोड़ दिया, बाय। अब शिवानी भी मुझे यहाँ से धोखा देगी, ये जाएगी यहाँ से ऊपर और मैं जाऊँगी यहाँ से सीधे। बाकी यहाँ देखो कॉलेज वाले सारे दुकानों में बैठ रखे हैं। तो दोस्तों लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ सामने देखो भाई, आज बहुत ज़्यादा टूट गया है, और इधर साइड भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं आने जाने वालों के लिए। बाकी नदी का जल स्तर भी देखे भाई। दोस्तों मेरे कपड़े तो पूरे गीले हो गए हैं और अब सुबह के ही कल पहनने पड़ेंगे, और वैसे भी धूप भी नहीं है, पता नहीं कैसे सूखेंगे। चलो जी दोस्तों, फाइनली घर पे भी पहुंच गई हूँ। दिनचू दीदी को प्रणाम नहीं कला? प्रणाम, कैसे हो? तो दोस्तों इसका नाम है रिंशू और ये रहता है हमारे बगल पे। तो जब भी मैं कॉलेज से आती हूँ या फिर मॉर्निंग में मिलते हैं ना, तो हमेशा क्या बोलता है दीदी को? दीदी प्रणाम, है ना। रिंशू स्कूल जाता है? ये देखो रिंशू की चुट्टियाँ, रिंशू अपनी चुट्टियाँ बता रहा है। किसने बनाई रिंशू? इसको नहीं खाते हैं। किसने बनाई? मम्मी ने बनाई। ये देखो दोस्तों बड़ा क्यूट सा बच्चा है। तो अब जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, ये देखो पूरे कपड़े ना गीले हो गए हैं। रिंशू देखो दीदी के कपड़े पूरे गीले हो गए हैं। दीदी भीग के आए ना? हाँ, तो दीदी आप कपड़े चेंज कर लेगी, ठीक है? हाँ अच्छा, बोलो बाय बाय। हाँ।
चलो जी दोस्तों, अभी बज गए हैं दिन के 2 और मैंने लंच बना के भी रेडी कर लिया है। बाकी अभी ना बारिश बंद हो गई है बाहर, तो अब टेस्टी से लंच करते हैं और दिखाती हूँ आपको आज मैंने टेस्टी से लंच में क्या बना रखा है। चलो जी दोस्तों, आज के टेस्टी से लंच में मैंने बना रखे है आलू का झोर। ये देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रखे है। साथ में मैंने बना रखे है चावल। अब टेस्टी से लंच करते हैं। चलो जी दोस्तों, अभी मैंने दिन का लंच भी कर दिया है। बाकी मैं बाहर आ गई हूँ, फिर से ना बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखो भाई, डका रोड बैठा खाना। तो दोस्तों, रूम के अंदर नेट की स्ट्रेंथ ना बहुत ही ज़्यादा कम है, चलता ही नहीं है नेट बिल्कुल भी, मैसेज तक भी नहीं जाते हैं। इसलिए मैं आ गई हूँ बाहर बरामदे में, और यहाँ पे ना नेट अच्छा चलता है या फिर सीधा टेरेस पे अच्छा सा चलता है। तो मुझे करना है ब्लॉग को अपलोड, वरना थोड़ा सा भी डिले हो जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, ऑडियंस देख नहीं पाती है। तो दोस्तों, जल्दी से ब्लॉग को अपलोड करती हूँ। दोस्तों, ब्लॉग को मैं ऐसे कंटिन्यू कर रही हूँ। बाकी जब हम कॉलेज में थे ना, एक घटना मैंने सुनी, सर लोग बोल रहे थे, फिर मुझे और लोगों से भी कन्फर्म हुआ दोस्तों, सोशल मीडिया के द्वारा से भी। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने भी सुन ली होगी, कल बांसवाड़ा में ना एक गाड़ी गिरी, उसमें 7 लोग सवार थे और 4 हमारे कॉलेज की छात्राएं भी थी, फर्स्ट सेमेस्टर वाली, 17, 18, 19 साल की। और दोस्तों, कुछ थे बूढ़े लोग, यानी कि 2 बूढ़े थे और एक ड्राइवर था, टोटल मिला के थे 7। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि 7 लोग सही सलामत हैं, मतलब ज़्यादा हल्की फुल्की इंजरीज आई है, ज़्यादा चोट नहीं लगी हुई है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं आजकल ना बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्चुअली बरसात के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा रोड में फिसलन होती है, और एक आजकल पता नहीं क्या ट्रेंड चला हुआ है कि तेज़ से गाड़ी चलाते हैं, देखते ही नहीं है कि अपनी जान तो खतरे में है लेकिन दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। तो दोस्तों, जब भी ऐसे बारिश वाला मौसम हो या कुछ भी हो, तो बिल्कुल भी घर से ना निकलने, कोई बात नहीं, पढ़ाई घर पर ही करना, अपनी जान बची रहेगी तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, आए दिन ना ऐसी घटना सुनाई दे रही है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो। वो छात्राएं सुबह कॉलेज के लिए आ रही थी और सुबह में ही ऐसी चीज़ हुई उनके साथ। घर से तो किसी को भी पता नहीं होता है कि क्या चीज़ होगी रास्ते में, चाहे हम हो कोई और हो दोस्तों, हर कोई यही सोचता है कि सही सलामत पहुँचेंगे। लेकिन दोस्तों, बीच में ही क्या होता है किसी को भी नहीं पता है, मरना जब होगा भगवान ने तो तय कर रखा है जीवन और मृत्यु। तो दोस्तों, अपनी सेफ्टी ना अपने हाथ में है, अच्छे ड्राइवर के साथ चलें, और जो लोग ट्रेंड हो साथ में, जब फिसलन वाला रास्ता हो या फिर जब बरसात का टाइम हो ना, उस टाइम पे आना जाना ना थोड़ा कम ही करें। तो कुछ यही बोलना चाहूँगी दोस्तों, भगवान करे ऐसे किसी के साथ भी ना हो। और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा दोस्तों जब ऐसे सुनाई को देते हैं। भैया लोग बता रहे थे कि जब हम वहाँ पर गए तो वो रो रहे थे ज़ोर से। सच में दोस्तों, ऐसी चीज़ है ना, मैं भी बिल्कुल नहीं देख सकती हूँ फेस टू फेस। और उससे पहले हमारे कॉलेज में भी एक घटना, कॉलेज के ठीक ऊपर पर एक मैक्स वाले ने स्कूटी और बुलेट को ठोक दिया, शायद वहाँ पर भी बहुत जो उनके ड्राइवर थे उनको भी चोट आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे घटनाएं आए दिन हमेशा हो ही रही है, और ये खुद हमारे कारण होती है ना, हम ही गलती करते हैं, कभी स्पीड में चलाते हैं, ब्रेकर का ध्यान नहीं देते हैं। वो कॉलेज चेयर लग यहाँ से फुर फर, चाहे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हो कोई और हो, तो आप सभी से यही बोलना चाहूँगी, अच्छे से गाड़ी चलाएँ, धीरे से गाड़ी चलाएँ। बहुत सारे छोटे बच्चे जाते हैं रास्तों में, गाय जाती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगा और अपने जीवन का ध्यान रखेगा दोस्तों। बाकी आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सृष्टि नेगी, मिलती हूँ आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री केदार।